अगर उपचुनावों की बात की जाए तो उसमें जो एक सीट जिस पे सबकी नजर रही वो वायनाड की रही है और वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा जीत रही हैं, पर भारी अंतर से जीत रही हैं, ये नोट करने वाली बात है। तो अब बात कर लेते हैं, सीएम एकनाथ शिंदे को 35,000 वोटों की लीड मिली है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से फडणवीस 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बारामती से डिप्टी सीएम अजीत पवार 38,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी जो तीन बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर थी, चाहे वो सीएम एकनाथ शिंदे हो या फडणवीस हो, सभी आगे चल रहे हैं, तीनों आगे चल रहे हैं। लेकिन एक और नाम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। इस साख में एक दाव उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी था वर्ली सीट से। यहां से शिंदे गुट के मिलन देवड़ा 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो सीट है वर्ली सीट, यहां से आदित्य ठाकरे का पीछे होना, ये उद्धव ठाकरे की साख पर भी एक चोट करता है। आदित्य ठाकरे तो है ही, लेकिन उद्धव ठाकरे की साख पर भी ये चोट करता है, क्योंकि जिन बड़े दिग्गज नेताओं की साख की यहाँ बात हो रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे थे, जिसमें कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। अजीत पवार हालांकि शुरुआत में बारामती से ट्रेल कर रहे थे, लेकिन अब पिछले 2.5 घंटे से वही लीड कर रहे हैं और भारी अंतर अब आ चुका है। मानकुंद्र शिवाजी नगर से सपा के अबू आजमी आगे चल रहे हैं और अजीत गुट के नवाब मलिक चौथे नंबर पर चल रहे हैं। मुंबा देवी से कामटी से महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावन कुले आगे चल रहे हैं। दिंडोशी से शिंदे गुट के संजय निरुपम आगे चल रहे हैं। माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अब पीछे चल रहे हैं। तो माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पीछे चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन में ये जो वर्ली सीट है, अगर वहाँ से वो पीछे चल रहे हैं तो ये एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि पहले आदित्य ठाकरे आगे चल रहे थे लेकिन अभी ट्रेल कर रहे हैं। वहीं कामटी से चंद्रशेखर बावन खुले आगे चल रहे हैं। बांद्रा इससे जिशान सिद्दीकी पीछे हो गए हैं, ट्रेल कर रहे हैं। उद्धव गुट के वरुण सरदेसाई आगे चल रहे हैं और साकोली से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आगे चल रहे हैं।